देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा में धान का सीजन पूरी पीक पर है। इसी बीच आज कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ACS सुमिता मिश्रा अम्बाला शहर अनाज मंडी का दौरा करने पहुंची। यहां उन्होंने किसानों और आढ़तियों से बात कर समस्याओं और आवक के बारे में पूछा। वहीं कृषि और मंडी अधिकारियों से फसली सीजन के बारे में भी जानकारी ली गई। अनाज मंडी में मौजूद किसानों ने जलमग्न फसलों और अधिकारियों की ओर से किसानों की सुध न लेने की शिकायत ACS सुमिता मिश्रा के सामने रखी, जिस पर उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। मीडिया से बातचीत करते हुए ACS सुमिता मिश्रा ने बताया कि इस बार धान का सीजन अच्छा है। जितना पहले नुकसान होने का दावा किया गया था वास्तविकता में उतना नहीं है, बल्कि इस बार धान समय से पहले मंडियों में आ गई है। अम्बाला शहर अनाज मंडी में फसल खरीद उठान सब सही ढंग से चल रहा है। इलाके के किसान सरकार पर गिरदावरी के आदेशों को कागजों तक समेटने के आरोप लगा चुके हैं। अब ये सवाल ACS सुमिता मिश्रा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि गिरदावरी की प्रक्रिया जारी है, SDM और ADC इस मामले में देख रेख कर रहे हैं। अम्बाला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। किया है इस बार क्या कुछ कैसा सीजन नज़र आ रहा है और किसानों को काफ़ी दिक्कतें इस बार जो है बीमारी आई है और साथ में पानी की दिक्कत है जो जो दिक्कतें आप कह रहे हैं वो उस हद तक नहीं है जिस हद तक दर्शाया गया था शुरू में। ड्वार्फिज्म की बात है तो वो लगभग 5-6% रकबे में भी मैक्सिमम होगा, उससे भी कम निकला है आफ्टर वेरिफिकेशन। और जो बारिश आई थी जल्दी उसका नतीजा ये हुआ है कि फसल को नुकसान नहीं हुआ पर कटाई जल्दी हो गई है। तो इस सीज़न हमने देखा कि जो फसल हमारी आम तौर से 20-25 अक्टूबर तक आती थी वो शुरू के ही पहले 10-12 दिन में आ गई। अभी मैंने सारा जायज़ा लिया है, फसल की स्थिति भी अच्छी है, आढ़तियों से भी बात हुई है, किसान से भी, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम स्मूदली चल रहा है। और साथ के साथ प्रोक्योरमेंट भी हो रही है, लगभग अम्बाला में तो लगभग 80% से अधिक फसल भी आ गई है और प्रोक्योरमेंट भी हो गई है। और जो लिफ्टिंग है वो भी 48 घंटे के अंदर हो रही है, मंडी में कोई ऐसी ओवरक्राउडिंग नहीं है। और साथ के साथ फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट जो किसानों के अकाउंट में डायरेक्टली जो पेमेंट कर रहा है वो भी की गई है। तो हर एक पॉइंट को हमने चेक किया है और यहाँ पे जो हमारे किसान भाई हैं उनसे भी बात हुई है तो ऐसी कोई समस्या नहीं। और मैं एक और जो अच्छा ट्रेंड अम्बाला में हमें नज़र आ रहा है पिछले वर्ष से ही वो ये कि यहाँ पे बहुत कम ऐसे किसान हैं जो पराली जला रहे हैं और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो मैं यहाँ के ज़िला प्रशासन को भी और किसानों को भी बधाई भी देती हूँ, बट अभी ये चुनौती चल रही है तो मैं आशा करूँगी कि जो ट्रेंड है अभी इस साल काफ़ी कम है पिछले साल से, 50% से अधिक की ड्रॉप है पूरे हरियाणा में भी और अम्बाला में भी, तो वो हम उसको बरकरार रखें। मैम जैसे सरकार ने आदेश दिए थे कि एक सप्ताह के भीतर जो है पटवारी गिरदावरी करेंगे, अम्बाला के गांव में कोई भी इस तरह का अधिकारी नज़र नहीं आया, किसानों का भी आरोप है। मैंने इस पर भी बात की है तो वो क्या एक जो नया पोर्टल सरकार ने लॉन्च किया क्षतिपूर्ति पोर्टल, तो उसमें किसान ने स्वयं दर्ज करना होता है कि भाई मेरे मान लीजिए 8 किले हैं उसमें से 2 किले में पानी खड़ा है या खराबा है और फिर उसके बाद पटवारी उसकी वेरिफिकेशन करता है। तो ADC साहब यहाँ पे हैं, SDM साहब हैं, उन्होंने कंफर्म किया है कि वो एक चालू प्रक्रिया है, ऑनगोइंग है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं किया जाएगा और वो कर रहे हैं लगातार और उसको अप टू डेट ला रहे हैं। मैम 60-70% फसल कट चुकी है इलाके में, क्रॉप कटिंग भी अभी तक किसानों की नहीं हो पाई है काफ़ी इलाके। नहीं ऐसा नहीं है, मेरे अपने कृषि विभाग के भी लोग हैं, क्रॉप कटिंग तो हम पूरी कर चुके हैं, क्रॉप कटिंग मोर देन 90%, मतलब मैं कहूँगी अराउंड 95% हो चुकी है और कहीं अगर इक्का दुक्का केसेस हैं तो वही रहती है। क्रॉप कटिंग हो चुकी है, फसल की वेरिफिकेशन हो चुकी है, तभी तो ये सब प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया शुरू होती है क्योंकि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे किसान अपना रकबा और फसल दर्ज करता है, उसके बाद जो वेरिफिकेशन हम करवाते हैं रेवेन्यू विभाग करवाता है गिरदावरी के माध्यम से और हम सैटेलाइट इमेजरी से रिमोट सेंसिंग से करवाते हैं। ये 3 लेयर वेरिफिकेशन के बाद ही प्रोक्योरमेंट आरंभ हो सकती है मंडी में। देखिए जो भी हरियाणा में प्रणाली रही है कि किसान का अगर खराबा एक सर्टेन प्रतिशत के ऊपर है तो उसको मुआवजा दिया जाता है, वही प्रणाली अपनाई जाएगी, कोई इसमें कोई नई बात नहीं है। मुआवजा खराबा और वेरिफिकेशन ये जब भी ऐसा कुछ आपदा होती है वो किया जाता है। मैं सुखदेव सिंह बलाना से किसान हूँ।
हमें पहले तो ये जीरी में छोटे पेटे वाली दिक्कत आई, इसकी कोई सरकार ने सुनवाई नहीं करी, ना उसकी कोई डॉक्टरों से ऑफ किया है। उसमें 50% जीरी ख़राब हो गई है किसान की। ये बेमौसमी बरसात ने सारी असाओं पर पानी फेर दिया, ना किसी ने पानी कटवाया है, और जमींदार चैन वाली मशीन से डबल खर्चे से जीरी बढ़ा रहे हैं। सरकार कोई उस नहीं कर रही है। एक हमें कहते हैं आग नहीं लगानी, पिछले साल मैंने 30 किलो के कूड़े बंधवाए थे, वो कागज दिए भी हैं, कोई ऑनलाइन कराया हुआ, कोई पैसा नहीं आया। तो सरकार के कहने पर किया, प्रशासन के कहने पर? हाँ, प्रशासन के कहने पर किया था, वहाँ फार्म जमा करा के आए दफ्तर में, और कोई भी पैसा नहीं। कितना खर्चा आया था आपका? हमारा आ गया था 30,000 रुपये आ गया था, 1,000 रुपये किलो दिया था बढ़ाने वाले। तो आज मंडी में मैडम आई थी, क्या समस्या? मैडम को मैं बोल था यही चीज़ भी, हमको पिछले साल का वो नहीं मिला है, इसलिए हम सब काम हो गिरदावरी कराएंगे। देखो कराई तो किसी ने नहीं। सरकार मुआवजा कर रही थी, गिरदावरी हुई है क्या आपके गांव में? आया अधिकारी? कोई नहीं आया जी, कोई अधिकारी नहीं है, कोई देखने नहीं गया, कोई पानी की निकासी नहीं करवाने गया। अब तक लोगों के खेतों में पानी खड़ा है, चैन वाली मशीन से जीरियाँ कटा रही हैं। क्या खर्चा निकल रहा है इस बार लागत? फसल अद्धी पड़ेगी जी पिछले साल से, खर्चा ज़्यादा पड़ने का, कुछ बीमारी होगी, कुछ खर्चा बढ़ गया। जिमींदार पर जिस पर 20 लाख की जीरी हुई थी, उस पर 10 लाख की। क्या मांग है सरकार से? मांग है सरकार से भी हमें कुछ हेल्प दे, जैसे पराली बना के वो बनाए, उनके नहीं पैसा कोई भी दे रहे हैं, और आग की समस्या खड़ी कर रहे भी, आग ना लगाओ। 2-4 हज़ार में भी हमारे पास किला तैयार नहीं होता है, अगर पराली में बीच में बहाओ। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।